हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का चैनल की और वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, ये टर्मिनेटर ये पिडलाइट कंपनी की तरफ से आता है, और किस लिए आता है वो सब हम लोगों को पता है। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ कि ये टर्मिनेटर आप दीमक मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीवार पर हो, लकड़ी पर हो, ज़्यादातर लकड़ी पर दीमक लगती है। दीवार में तो वैसे कम ही दीमक लगती है, काफ़ी पुरानी दीवारों में दीमक पाई जाती है, लेकिन लकड़ी में दीमक अक्सर लग जाया करती है बारिश के मौसम में सीलन आने की वजह से। तो ठीक है, ये देख रहे हैं आप ब्लैक जापान। जब हम नई चौखट वगैरह विंडो वगैरह लगाते हैं अपने नए बने हुए घर में, तब हम टर्मिनेटर को इसके साथ यूज़ करते हैं। ये ब्लैक जापान है, ये लोकल मेकर्स द्वारा बनाया जाता है, जो लोकल पेंट के मेकर्स होते हैं। ये कोई भी कंपनी नहीं बनाती है, बर्जर एशियन नेरोलैक, ये कोई भी कंपनी इसको नहीं बनाती है। तो ये टर्मिनेटर हम इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं, और बाकी कुछ कुछ जगह पर जिन जगह पर दीमक लग जाती है उसको हम इंजेक्शन में भर के यूज़ कर सकते हैं। तो आज सबसे जो रामबाण तरीका है दीमक मारने का, वो है ये काला हिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मच्छर मारने वाली दवा भला क्या दीमक को मारेगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में थैंक्स बोल कर जाएंगे। इसको पर्सनली मैंने खुद यूज़ किया है, इसलिए मैं आप लोग सब लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ। तो आप इसका ज़रूर से ज़रूर एक बार यूज़ कीजिए, और फिर कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा है। ये दीमक को परमानेंट ख़त्म कर देगा। बाकी जो टर्मिनेटर आता है, ये किसी भी कंपनी का ले लें आप, चाहे बर्जर का ले लें या एशियन का ले लें, ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, ये पूरी तरह से दीमक नहीं मार पाते हैं। तो बस आज की वीडियो इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।